कांग्रेस ने जरा झूठ बोल के सरकार बनाई, कोई वादा नहीं पूरा किया। माड़ी रही है ना, इतने जान की राखी हुई तो ना इतने माल की राखी हुई। बीजेपी के नाल जिन्ना चिर साडा रिश्ता आ उन्ना चिर निभाया आ, जदों हुण किसानां दे मुद्दे उत्ते उन्हां ने अपनी गल की आ, पार्टी वक्री हो गई आ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हार्ट, मैं हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये पुतली घर चौक है और आप सामने देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर आज एक तरफ का रास्ता रोका गया है जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाला रास्ता है, वो तो जारी है लेकिन जाने वाला रास्ता बंद है। तो पुलिस चौक से आप देख सकते हैं और यहाँ पर भारी गिनती में पुलिस अधिकारी पहुँचे हुए हैं, और ये श्रोमणी अकाली दल की पहली आज रैली है और बीजेपी के बगैर रैली में, और सबसे बड़ी बात कोरोना काल में रैली। तो आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और हम आप पहले सुरक्षा दिखाएंगे फिर हम बात करेंगे। यहाँ पर मौके पे सबसे साहब जी मोहन सिंह जी, तो अभी हम बात करेंगे, भी वो बात कर रहे हैं लेकिन हम आपको दिखा दें जत्थे के जत्था आ रहा है यहाँ पे कोरोना के संकट काल में, जत्थे का जत्था आ रहा है। और नेताजी यहाँ पे देख सकते हैं, और अभी धीरे धीरे आवाजाही कम हो जाएगी, यानी भीड़ बढ़ जाएगी। जी हाँ, पुतली घर चौक है और हम बात कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की, और ये आगे हम चलते हैं, देख सकते हैं ये ये 2022 चुनाव की टीम है, 2022 पंजाब में चुनाव को लेकर अमृतसर में ये अकाली दल की टीम है। तो हम बात करेंगे सीधे, ये जो अभी जितने भी चेहरे हैं 2022 में श्रोमणी अकाली दल की, ये टीम का एक अहम हिस्सा है जो आज से 2022 चुनाव को लेकर अपने अपने इलाके में काम करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे जी, ये सारे श्रोमणी अकाली दल दे छोटे लैवल तो लाके उपर कॉन्स्टिट्यूएंसी लैवल दे वर्कर साहबान ते लीडर साहबान ने, ते क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ी आ इलैक्शन कंपेन 2022 दी शुरू कर दित्ती है, ते अज जिहड़ा ये रोस धरना रखिया आ, ये भावें चलो इलैक्शन कंपेन ते जही वड्डियां कॉन्फ्रेंसां कर रहे सब कर कर रहे, लेकिन अज कांग्रेस ने जिहड़ा झूठ बोल के सरकार बनाई, कोई वादा नहीं पूरा किया, और दूसरे जिहड़ा आम आदमी पार्टी आ वह भी कांग्रेस दियां जिहड़ियां बना दे उत्ते उहदा वांगू ही पंजाब दे विच आ के झूठा बोलना शुरू करता आ। तो इन्हां दे मैं तुहानूं दस्सां, इधर करो ध्यान, ये पिछली वारी उत्थे जदों सरकार बनी ना आम आदमी पार्टी दी, इन्हां दे पैर थले आ गया बटेरा, ये हुण सारा बटेरा सारे हिंदुस्तान च लभदे फिरदे आ, चंगी तरहां उहनूं ठोक के भेजिआ आ, और ऐतकी भी दुनिया इतों पंजाब के उन्होंने भी ठोके भेजूगी, तो कांग्रेस का तो आप वेख लिए की करतूतों ताडे सामने आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी फतेह तो बुला रहे हैं, और साथ साथ हम बात भी करेंगे, कुछ युवा नेता हैं हमारे साथ, ये बताइएगा कांग्रेस के शासनकाल में कितना न्यायपालिका स्वस्थ रही है, और न्याय है ये मंदिर कितने अच्छे रहे, हमारे कानून व्यवस्था क्या रही? कानून व्यवस्था कोई नहीं है जी, माड़ी रही है ना, इतने जान की राखी हुई तो ना इतने माल की राखी हुई, कतल हो लोगों जायदाद लुट के तुरी जाते हैं, आप इन्होंने मतलब कुहाड़े फड़े आ, हर पक्षों सरकार लुटनते हुई है, इतने जान माल की राखी खाधी। अज का रोज प्रदर्शन कि खिलाफ है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के खिलाफ नहीं, बीजेपी भी खिलाफ ही आई सा सोच समझ लो, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी। अच्छा महंगाई मुद्दा कोई नहीं, मुद्दा क्यों नहीं है,
सारा कुछ ही है जो समाज को चाहिए ही कुछ नहीं हो बीजेपी वक् हो के पार्टी किन्नी के सक्सेस होएगी किन्नी के सक्सेस होएगी किन्नी सक्सेस होएगी मैंने पता है बीजेपी के नाल थोड़ा जा पिछा रख बीजेपी के नाल जिन्ना चिर साडा रिश्ता आ उन्ना चिर निभिया आ जदों हुण किसानां दे मुद्दे दे उत्ते उन्होंने अपनी गल की आ पार्टी वक्री हो गई है वो अपने थां अं अपने थां आ वो भी जिदा बाकी दुश्मन पार्टियां आ उन्हां दे इक भी आ अपोजिशन उन्होंने खिलाफ ही लड़ता चलो बहुत बड़ी बात की है और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि ये अकाली दल की ये रैली है और आप देख सकते हैं ये तो ये चेहरे हैं और ये रैली है और रैली में उपस्थित अकाली दल और सबसे बड़ा सवाल लाइव भारत का सबसे बड़ा सवाल कि कोरोना के संकट काल में रैलियों की अनुमति देता कौन है देख सकते हैं जब 20 मरने पे 50 खुशी पे तो इन रैलियों की अनुमति कौन देता है अकाली दल की रैली शिरोमणि अकाली दल की रैली है अब कोरोना के संकट काल में तो हम यही सवाल यहाँ पे 3 स्टार पुलिस अधिकारी हैं मोहन सिंह जी हम मोहन सिंह जी से सवाल करेंगे सर इतनी पुलिस यहाँ पे है रैली है और पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था अगर रैलियाँ ना हो तो वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था में जुटी रहे ये बात सही है बिल्कुल सही बात है हमने तो सुरक्षा प्रदान करनी है जहाँ भी ड्यूटी लग जाए सुरक्षा प्रदान करेंगे कोरोना के संकट काल में जब 20 आदमी मरने पे और 50 आदमी खुशी के मौके पे तो इन्हें रैलियों की इजाज़त क्यों मिलती है तो हाई लेवल की बात है हम क्या कर सकते हैं तो ये हाई लेवल की बात है हम क्या कर सकते हैं तो हाई लेवल की बात क्या है मैं तो नहीं जानता लेकिन ये थी लाइव रिपोर्टिंग सफ़र शुक्ला के साथ मनोज भगत की भी फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं ये धरने के बाद यहाँ पे भीड़ और हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ है और धरना क्यों होता है सवाल पूछेंगे सर 20 आदमी मरने पे तो धरने की इजाज़त लेनी पड़नी चाहिए तो ये रैलियाँ और धरना क्यों हो जाता है जब 20 लोगों को मरने पे इजाज़त है कोरोना फैल रहा है तो इसकी इजाज़त क्यों दी जाती है कुछ कहना चाहेंगे आप धरने की इजाज़त तो देनी नहीं चाहिए वैसे खुल के नहीं बोले आप चलिए आगे हम और भी बात करेंगे और हम झगड़ा कर देख सकते हैं यहाँ पर झगड़े भी हो रहे हैं ये चलिए चलिए हम एक भाई साहब मिल गए हैं जय हिंद जय हिंद जी क्या नाम है आपका मुशाहिद मुशाहिद जी क्या काम करते हैं आप जी रेलवे में आप काम करते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं एक बात बताइएगा हमें जब आज कोरोना के संकट काल में 20 आदमी हम मरने पे और 50 आदमी हम शादी विवाह में ले जाने की अनुमति है तो बड़े बड़े नेताओं को रैली करने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो ये ऐसा समाज है हम आपको बताऊं ये भाई साहब हैं और भगवान ने इनकी आंखों की रोशनी नहीं दी है लेकिन ये मन की रोशनी से कहते हैं और जो इन्होंने कहा आंखें खोल देने वाला है और ये दोनों नेत्रहीन हैं तो मैं सल्यूट करता हूं आपके जज्बात को आगे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि आज देख सकते हैं आप यहाँ पर रैली का आयोजन है और ये रैली अकाली दल की और कैप्टन सरकार में अकाली दल की रैली कैप्टन सरकार में अकाली दल की रैली और रैली में इतने लोग हैं सबसे बड़ी बात कि आखिर रैली की इजाज़त डिप्टी कमिश्नर ने क्यों दी जब कोरोना में ये हाल है सुरक्षा व्यवस्था का ये हाल है क्या कहें क्या ना कहें नेताओं का आना जारी है और भी नेता आ रहे हैं जो जो नेता आएंगे बड़े नेता आएंगे बड़े अफसर आएंगे जितने नेता आते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आते पुलिस भी फतेह बुलाने पहुँच गई है
और बड़े नेता आ गए हैं। वीरे अज इत्थे की हैगा? जी इत्थे की हैगा? ते रोस प्रदर्शन कर रहे जी। किहदे खिलाफ? एक बीजेपी के खिलाफ कर रहे, कांग्रेस के खिलाफ कर रहे। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस खिलाफ। उसे कदा रोस प्रदर्शन हो रहा? ये सर उन्होंने पूछो मैंने। चले चले, यूथ आया है, पंजाब का यूथ और देश का भविष्य, और हाईटेक यूथ, हाईटेक हुआ है पंजाब का यूथ, बड़ा होया। आज यहाँ पे प्रदर्शन क्या है, क्या बताइएगा प्रोग्राम बारे में थोड़ा सा? वेले होके दाते हैं, काम कर लिए जी। चले ठीक है। तो रैली के दौरान ये यूथ है, और यूथ क्या कहता है और सोच क्या है? तो पुलिस अब बंद करवाती हुई, अब शायद चारों उधर से भी बंद कर दिया जाएगा रास्ता, और तो अब धीरे धीरे ये पूरा जाम हो जाएगा, यहाँ से लेकर सारा कुछ जाम हो जाएगा। रस्सा निकाला जा रहा है वहाँ से, अब रस्सा लगा दिया जाएगा, और रस्सा जब लग गया तो जाम लग गया, रस्सा लग गया तो जाम लग गया, बस ये। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रैली की इजाज़त किस क्यों दी गई, बड़ा सवाल है, एक आम आदमी के मन का सवाल है। जब एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि हम 10 तारीख के बाद तय करेंगे, कोरोना के संकट काल में करूँ या ना करूँ, तो लेकिन रैलियाँ करें या ना करें, यह सवाल उठाया था हमने लाइव भारत में, कल ये सवाल यहाँ के मंत्री से उठाया था, ओम प्रकाश सोनी से सवाल किया था कि रैलियों की इजाज़त कौन देता है। तो लाइव भारत के सवाल में यहाँ के पंजाब के मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने कहा था, इस बारे में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहा है, और जल्द ही इस पर कोई निर्णय आएगा। तो कल ये आवाज़ हमने उठाई थी मिनिस्टर के सामने, पंजाब के मंत्री के सामने, और आज ये आवाज़ हम सीधी उठाते हैं, क्योंकि हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो साथ यही साफ दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं की गिनती कितनी बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये विक्रमजीत सिंह मजीठिया की टीम है यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे जितने भी उनके समर्थक हैं और अकाली दल से जितने भी लोग हैं, कुछ मजीठा परिवार गांव से भी आए हुए होंगे और कुछ अलग अलग इलाकों से होंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर रैली में आए हुए लोग, और उधर जाम कर दिया गया है, इधर रास्ता लग गया है, इधर पुलिस, इधर देख सकते हैं जुगराज सिंह जी आ गए हैं यहाँ पे, और उन्होंने कमान अपने हाथों में ले ली है, और जुगराज सिंह जी एक सवाल है, क्या पुलिस विभाग गृह मंत्री को यहाँ के, या अपने पंजाब के गृह मंत्री को ये लिखकर चिट्ठी दे, या हाईकमान आपका, कि रैलियों की परमिशन ना दी जाए, कोरोना का संकट काल है और क्राइम बढ़ रहे हैं, हमारी पुलिस उधर लग जाती है, तो रैलियों की इजाज़त क्यों दी जा रही है, जबकि शादियों में 50 और मरने पे 20? देखिए, ये सारा जो है ये प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एंड पुलिस अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति ऐसी पैदा ना हो, इसलिए पुलिस अपने बिल्कुल ड्यूटी पर तैनात है, और इसके लिए डेफिनेटली हम जो है वो माननीय DC सर से इसके बारे में लिख के भेजेंगे। ऑलरेडी हमारे दफ्तर से, हमारे कमिश्नर साहब के ऑफिस से इसके बारे में लिख के भेजा जा चुका है कि जो इस तरह की रैलियां हैं इनकी परमिशन ना दी जाए, बट ये सब जो है ये गवर्नमेंट के लेवल के डिसीजन है, इसमें पुलिस का अपना काम है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में बिल्कुल अपना काम कर रही है। सही बात कही है जुगराज सिंह जी ने, और कहा है कि हमारा काम है सुरक्षा देना, और हम सुरक्षा पूरी तरह दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रैलियों को ना दे इजाज़त, ऐसा डिप्टी कमिश्नर साहब के अख्तियार में है, पंजाब सरकार के अख्तियार में है, पंजाब सरकार चाहे तो ऐसी रैलियों को आयोजन ना कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के संकट काल में ऐसी रैलियां अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां तोड़ती उड़ती हैं। तो सरकार एक तरफ कानून बनाती है, दूसरी तरफ कानून के तहत ही रैलियों को इजाज़त देती है, और कानून टूटते हैं कानून की दी हुई इजाज़त वाली रैलियों में, कानून टूटते हैं कानूनी द्वारा दी गई इजाज़त दी गई रैलियों में, और कानून टूटते हैं सरकार के, और कानून टूटते हैं कोरोना के, देख सकते हैं आप कानून टूटते हैं या नहीं। तो कानून टूट रहे हैं और राजनीति बन रही है, 2022 का ज़माना है, 2022 की टीम आज यहाँ पे दिखेगी, अकाली दल की बात है, बड़े बड़े चेहरे दिखेंगे, लेकिन
हमारे लाइव भारत की खबर में आपको सच्चाई दिखेगी। यदि स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की, देखते हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।